चलिए, हम अभी डुमचांस थाना क्षेत्र के पारहो पंचायत के सफी में अर्जुन साहब जी के मकान में हम खड़ा हैं, जिनको यहाँ के थाना प्रभारी और एसआई लोग मिल करके बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबूराव मरांडी आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस मामले में क्या कर रहे हैं और पुलिस अधिकारी लोगों को सजा दिलाने में कितना योगदान दे रहे हैं। लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर प्रशासन से लेट लतीफे कर रही है, क्या मामला है, कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? देखिए, ये तो रक्षक ही कहिए कि भक्षक बन गया है। जिस प्रकार से अभी आने के बाद जो घटना की जानकारी मिली और 13 तारीख को सवेरे संभवतः 3 बजे भोर में पकड़ा और पकड़ करके इनको जिस प्रकार से पीटा गया और फिर मार करके इसको फेंक दिया गया, आँख भी फोड़ दिया, और उतना ही नहीं उनकी आँख फोड़ दिया गया, और लगता है कि जो शरीर में जिस प्रकार से उन्हें लगता है कि चमड़ी उभरा हुआ है, तो उससे तो बिल्कुल लगता है कि उनके ऊपर पेट्रोल डाला गया। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई जो जानकारी मिली अभी हम तो बात नहीं किया, अभी तक जानकारी जो मिली है शायद उन लोगों को सस्पेंड किया है, उतना कायदे से तो इन लोगों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, दफा 302 के तहत इन लोगों के ऊपर केस होनी चाहिए थी। अब पता नहीं पुलिस अभी तक केस किया है कि नहीं किया है, क्या पता करेंगे। और पूरी यानी क्या कहते हैं कि इन लोगों के ऊपर 302 के तहत मुकदमा होनी चाहिए, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि फिर कोई पुलिसकर्मी इस प्रकार की हरकत नहीं कर सके, कोई दुस्साहस नहीं करे। और फिर जो इस परिवार के लोगों का डिमांड है, एक तो इसे हमने कहा कि पुलिस को सजा मिले, पुलिसकर्मी को जिन लोगों ने इस कांड को या अर्जुन साहब को जो मारा है, फिर उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिले, और कम से कम इनके परिवार को के आश्रितों को 25 लाख रुपया के मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि घटना इतना बड़ा और पुलिस की है, पुलिस की घटना का मतलब सरकार की ओर से ये घटना को अंजाम दिया गया है। हम निश्चित रूप से यहाँ के जाने के बाद हम राज्य सरकार से इस विषय पर हम बात करेंगे। आपके द्वारा सर विशेष रूप से क्या सहयोग रहेगा पीड़ित परिवार? हमारे ओर से हम जाएंगे पार्टी से बात करके, जितना भी हो सकता है अधिक से अधिक परिवार को सहयोग करना, तो हम जरूर सहयोग। लगातार लोग सर ढिबरा पे यहाँ पे आश्रित है, इस प्रकार से कार्रवाइयाँ हो रही है, तो ऐसे में सर रोजगार भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है इस क्षेत्र के लोगों के बारे में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमने बगल से आते हैं, 10 वर्षों तक यहाँ हमने प्रतिनिधित्व भी किया है, इसलिए हम जानते हैं कि इस क्षेत्र यहाँ कोडरमा गिरडी यहाँ के लोगों का एक प्रकार से मुख्य जो व्यवसाय है वो भी गिरडी जिला का जो तीसरी है गांवा है, और फिर आपका ये जो दादाजी हमरे कहाँ है क्या बोला था? तो हम नहीं जानते, छह गाड़ी पकड़ाए थे सर, 5 गाड़ी को छोड़ देने गाड़ी को ले गए पैसे ले। अभी तक सर पुलिस लाइन में रखे हुए हैं, उन लोगों को कम से कम जेल में भेज देना, भेजना चाहिए था इन लोगों को, चारों पुलिस को जो मारा है। शशिकांत कुमार क्या थे? बड़ा वाला था, थानेदार है ये? जी जी वही है थानेदार डोमचा जी। तो ना रुकिए ना, और क्या नाम बताए? शशिकांत हो गया, विकास कुमार पासवान। ओके, मुझे चाहिए सर था।
सब लोग साथ में थे और एक पता नवीन ये क्या है ये लोग एक साथ निकला हुआ था सब सभी लोग बोलेरो थे कैसे जानते हो चारों ईसाई एक ही गाड़ी में रहे चारों एक ही गाड़ी में चारों एक ही गाड़ी में उसने बताया हमें कि जानकारी मिली है बढ़िया से वो बताया 13 तारीख को कितना बजे है इधर सर कोडरमा तरफ 4:30 उधर ड्यूटी में लगा हुआ था और उधर से 2 बजे रात को आया पूरा बोलर मालूम सबको कपड़ों 2 बजे रात हाँ 2 बजे रात 3 बजे ना 2 बजे रात को 3 बजे निरोध पाड़ी पहुँचा उस कब पकड़ा 3 बजे पापा को यहाँ से घर से 3 बजे नहीं पापा 3 बजे 2 बजे घर से गए थे 2 बजे रात को दिन में रात रात में 3 बजे 2 बजे घर से निकले पापा और देवरा का पेट्रोलिंग करते हुए जाता है नेहरू पहाड़ी आदमी सब समझे पेट्रोलिंग में तो वहाँ सबको पैसा देते हैं प्रशासन के तो यहाँ से गाड़ी निकलता है तो प्रशासन को पहले जाकर पैसा देना पड़ता है तो 3 बजे जो है वो 2 बजे यहाँ से निकले 2 बजे 13 तारीख को रात में कि 12 को 12 को रात में 13 को ये बात प्रशासन को पैसा देने के 1 घंटा पहले जाना पड़ता है दो बजे सुबह।